मूवी स्टार्ट होती है और रास्ते के साइड में मदर और सन हमें दिखाए गए हैं। इनकी जो कार होती है ब्रेकडाउन हो चुकी होती है। मदर ने एक मैकेनिक को कॉल किया होता है, पर इस मैकेनिक को उसने जो लोकेशन बताई है ये पता नहीं होती, क्योंकि जो मदर है इसको भी एक्चुअल में लोकेशन पता नहीं है। यह हमारी मेन कैरेक्टर है, इसका नाम शिने है। शिने फिर एक कार वाले को हाथ देती है जो फिर रुक जाता है, एग्जैक्ट लोकेशन मैकेनिक को दे देता है। अब थोड़ी सी देर होने वाली होती है और साइड में ही एक छोटी सी रिवर होती है, तो ये मदर एंड सन ये दोनों रिवर के पास आकर बैठ जाते हैं। मदर कहती है कितना अच्छा लग रहा है ये सनशाइन। शिने अपने बेटे से कहती है कि फादर को हमेशा यहाँ आना था। सन कहता है कि फादर तो यहाँ नहीं है। मदर कहती है हम तो यहाँ है, हम दोनों हमेशा एक साथ रहने वाले हैं। थोड़ी देर में मैकेनिक आ जाता है, वो गाड़ी फिक्स करता है। ये जो मैकेनिक है इसका नाम किम है। किम शिने से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम यहाँ आने का। वो कहती है कि हाँ, पर वो अब यही रहने वाली है ये भी उसे बताती है। शिने एक पियानो आर्टिस्ट होती है, उसे अब पियानो के लिए क्लासेस लेने हैं, इसलिए उसे एक बड़ा हॉल लगने वाला है। वो कहाँ रहने वाली है ये भी उसे पता नहीं, तो रेंट के लिए भी उसे एक जगह चाहिए। किम इसी गांव में रहता है तो उसके कॉन्टेक्ट है और यह सब उसे दिलवा सकता है, इसलिए वो सब जगह कॉल करता है और इंक्वायरी करता है। जिस गांव में अब वो रहने वाली होती है इसका नाम मिरियांग होता है। शिने फिर किम से पूछती है मिरियांग कैसा गांव है। किम कहता है ये सीधा साधा गांव है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, ज्यादा कुछ बड़ा इसमें नहीं है। शिने उसका मीनिंग उससे पूछती है, पर शिने को ऑलरेडी इसका मीनिंग पता होता है। वो कहती है कि इसका मीनिंग सीक्रेट सनशाइन है। किम कहता है कि ये भी सही है, ये सूट होता है इस गांव को। जब थोड़े दिन चले जाते हैं तो शिने किम से मिलने आती है। वो किम को कहती है तुमने जो भी सब बताया था वैसे सब कुछ सही से हो गया है। उसे पियानो के लिए स्टूडियो भी मिल चुका है और वो अच्छे से रह रही है। किम उसे अंदर इनवाइट करता है, पर वो अपने बेटे के साथ होती है तो चली जाती है। घर जाते वक्त एक उसे शॉप दिखती है, ये कपड़ों की शॉप होती है। यहाँ के ओनर के पास वो आती है, ये भी एक लेडी होती है, तो उससे वो बात करने लग जाती है। वो कहती है मैंने बहुत बार तुम्हारा शॉप देखा है, ये शॉप में अच्छी तरीके से लाइट नहीं आ पाती, मुझे लगता है कि अगर तुमने इस प्लेस को रीडेकोरेट किया तो बहुत सारे कस्टमर यहाँ आ सकते हैं, तुम्हारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, वरना कस्टमर डाउन हो जाएंगे। ये जो शॉप की लेडी होती है ये उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है। शिने का जो कहना होता है ये कहकर वो वहां से चली जाती है। किम को शिने अच्छी लगती है, जब भी टाइम मिले तो शिने के पास वो आ जाता है। उसके बहुत सारे कॉन्टेक्ट भी होते हैं, तो अपने फ्रेंड्स को वो कॉल करता है, उन्हें कहता है बहुत अच्छी एक पियानो टीचर हमारे टाउन में आई है, तो उसे उनके बच्चों को वो पियानो लेसन्स ले ऐसा बोल रहा होता है। शिने के पास आकर वो एक फ्रेम भी लगाता है जिसमें दिया होता है कि शिने एक अवार्ड विनिंग पियानो टीचर है। शिने पूछती है कि ये तो गलत है, ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि इससे लोग ज्यादा कन्विंस होंगे, लगाकर वो चला जाता है। शिने का बेटा होता है तो नर्सरी टाइप स्कूल में हो जाता है, वह एक ही टीचर होता है जो सबको सिखाता है। यहाँ का जो टीचर है वो सब बच्चों को स्कूल होने के बाद घर छोड़कर देता है। शिने भी अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठती है और टीचर सबको घर छोड़ रहा होता है। यहाँ वो क्यों शिफ्ट हुई है यह सब उस टीचर को बताती है। उसे ये भी कहती है कि मैं लैंड बाय करना चाहती हूँ, अब मैं यहाँ परमानेंट रहना चाहती हूँ, इसलिए मुझे लैंड बाय करनी है। उसे बता रही होती है कि अगर तुम्हें कुछ अच्छी लैंड पता हो तो तुम मुझे बता सकते हो। ये टीचर रोड पे गाड़ी थमा देता है। इसकी जो बेटी होती है ये दूसरे लड़कियों से फाइट कर रही होती है, ये उसको लेता है और गाड़ी में रखता है। इसकी बेटी को वो बहुत डांटता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि शिने कुछ मेडिसिन लेने के लिए फार्मेसी में आती है। ये जो फार्मासिस्ट है इसे भी शिने के बारे में सब कुछ पता है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। वो एक बाइबल लेती है और उसे दे देती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि किस पेन में तुम हो, पर अगर तुम गॉड का रास्ता चुन लोगे तो ये सब पेन तुम्हारा मिट जाएगा। तुम अब जैसे दुखी हो वैसे तुम नहीं रहोगी। शिने कहती है कि मैं दुखी वगैरह कुछ भी नहीं हो। फिर भी उसे बाइबल दे देती है और शिने वहां से चली जाती है। शिने का जो ब्रदर होता है वो फिर उसे मिलने के लिए आता है। शिने के बेटा जब सो जाता है तब ये दोनों बात करने लग जाते हैं। ब्रदर कहता है कि उस आदमी के लिए तुम क्यों इतना ग्रीव कर रही हो। शिने का जो हस्बैंड था किसी दूसरी औरत के साथ उसका चक्कर था, इसीलिए शिने का ब्रदर उसे कह रहा है कि वो तुमसे फेथफुल नहीं था, फिर भी तुम उसके लिए मौन कर रही हो, ये गलत उसे लग रहा होता है। शिने एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होती। शिने कहती है ये मुझसे और उसके बेटे से बहुत प्यार करता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि किम शिने और उसके ब्रदर को एक लैंड दिखा रहा होता है। ये जो लैंड होती है ये शिने का ब्रदर उसे बाय कर देने वाला होता है। शिने का ब्रदर अब यहाँ से जाने वाला होता है तो किम उसे छोड़ने के लिए आता है। शिने का ब्रदर उसे कहता है कि मुझे तुम्हें एडवाइस देनी है, शिने जो है उसके टाइप के तुम नहीं हो, तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करना। किम कुछ भी नहीं बोलता वहां से चला जाता है। आज शिने का सन अपने मदर के बारे में एक ऐसे बोलकर सुनाने वाला था। शिने वहां जाती है उसे बहुत ही चीयर करती है।
सब लोग फिर सेलिब्रेशन करने के लिए होटल में आ जाते हैं। वहाँ टीचर वगैरह भी होता है, ये सब एंजॉय कर रहे होते हैं। तो शिने को कॉल आता है, जिस आदमी की लाइन थी वो आज आया हुआ है, और किम ने शिने को कॉल किया होता है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। ये डिनर छोड़कर वो जा रही होती है। वो सबको कह कर जाती है कि उसे लैंड बाय करनी थी, उसका ओनर यहाँ आया है। जो टीचर होता है उसे पहाड़ छोड़ने के लिए आता है। शिने उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो? टीचर कहता है कि कुछ भी नहीं, और शिने फिर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें ओनर और शिने इन दोनों की मीटिंग दिखाई गई है। इसमें शिने ओनर को पियानो बजाकर दिखा रही होती है। ओनर इसे इम्प्रेस्ड हो जाता है। वो किम को कहता है, तुम्हारी एज बहुत ही बढ़ चुकी है, उसकी एज 39 हो चुकी होती है, तो वो सजेस्ट कर रहा था कि वो शिने से शादी कर सकता है। रात में हमें दिखता है कि जो शॉप वाली थी वो अब शिने के साथ फ्रेंड हो चुकी है, और भी शिने के फ्रेंड्स की जो मदर होती है ये सब मिलकर अब क्लब में आ चुके हैं। आज ये पार्टी कर रहे होते हैं। शिने बहुत ही ड्रंक हो जाती है। इसे क्लब में एक कॉल आता है, इसके सन का एक कॉल होता है, पर इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता, तो ये कुछ बात नहीं कर पाती है। जब ज्यादा रात हो जाती है, ये घर आने के लिए रेडी होती है, तब उसे फिर से कॉल आता है। इस कॉल पर कोई भी बोल नहीं रहा होता। थोड़ी देर बाद ये घर पर पहुंचती है। घर पर आने के बाद उसका सन उसे कहीं भी नहीं दिखता। ये बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। वह फिर उसका फोन रिंग करता है। शिने का जो सन होता है वो किडनैप हो चुका होता है, और एक किडनैपर का कॉल होता है। शिने बहुत ही डर जाती है। वो कहती है कि तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगी, सिर्फ मुझे मेरे सन की आवाज सुनने दो। ये किडनैपर उसे अपने सन की आवाज नहीं सुनने देता। ये रात में भाग भाग कर किम के पास जाती है। किम अपने शॉप में होता है और कैरियो पे गाना गा रहा होता है। उसे हेल्प मांगना चाहती है, पर वो अपना माइंड चेंज कर लेती है। शिने के पास जितने सारे सब पैसे होते हैं वो सब वो बैंक से निकालती है। उसके पास कम ही पैसे होते हैं, पर किडनैपर की डिमांड बहुत ही ज्यादा होती है। किडनैपर फिर उसे एक स्पॉट पर बुलाता है, वहाँ की जो डस्टबिन होती है वहाँ पैसे रखने के लिए बोलता है। शिने ये सब करती है। किडनैपर का फिर से उसे कॉल आता है। शिने कहती है कि मैंने स्पॉट पर पैसे रख दिए है। शिने पूछती है कि कब मुझे मेरा बेटा मिलेगा। किडनैपर कहता है कि वो उसे फिर से कॉल करेगा। शिने उस पर चिढ़ जाती है, कब तुम मुझे कॉल करने वाले हो, पर वो कुछ कर भी नहीं पाती। जब वो घर पर आती है तब किडनैपर का फिर से उसे कॉल आता है। जो पैसे उसने दिए थे बहुत ही कम थे। किडनैपर लैंड के बारे में उसे पूछता है। वो कहता है कि तुम तो लैंड बाय करने वाली थी, तो बहुत सारे पैसे तुम्हारे पास होने चाहिए। शिने उसे कहती है कि जो लैंड बाय करने वाली थी ये सिर्फ दिखाने के लिए था, मैं रिच हूँ ऐसा मैं दिखा रही थी। मेरे हस्बैंड की पॉलिसी से मुझे पैसे तो मिले थे, पर ये सब मैंने स्टूडियो बाय करने में खर्च कर दिए, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। किडनैपर फिर कॉल काट देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि अब शिने ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। वहाँ किम भी होता है। वो डिस्कस कर रहे होते हैं मिरियांग में ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो ये टाउन नहीं था। जब शिने घर पर आती है तो टीचर की जो बेटी होती है वो अंदर झांक रही होती है। शिने को शक चला जाता है और वो पुलिस को कॉल कर ये बता देती है। नेक्स्ट दिन पुलिस शिने के घर पर आती है, उसे एक स्पॉट पर लेकर जाते हैं जहाँ उन्हें एक बॉडी मिली होती है। ये शिने के सन की बॉडी होती है। ये देखकर वो तहस नहस हो जाती है। पुलिस स्टेशन में हमें शिने दिखती है। ये जो मर्डर किया गया था ये टीचर ने ही किया होता है। टीचर को सब पुलिस स्टेशन में लाते हैं और किम उस पर बहुत ही भड़क जाता है। उसे वो मारने की कोशिश करता है। सीन में हमें दिखता है कि बहुत सारे रिलेटिव्स आए हुए हैं। शिने का जो सन है इसका आज क्रिमेशन हो रहा है। शिने की मदर इन लॉ भी यहाँ होती है और बहुत ही रोने लग जाती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि शिने रो नहीं रही। उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि पहले तुमने अपने हस्बैंड को मार दिया और अब अपने बेटे को भी खा गई। शिने की डॉटर इन लॉ को सब संभालते हैं, उसे लेकर जाते हैं। शिने वही बैठ जाती है। किम उसके पास आता है तो उसे कहती है कि मैंने उस टीचर को क्यों जाने दिया, मुझे वही लग रहा था कि मैं उसे फाड़ दूं, जिंदा काट दूं। शिने जीते जी मरे हुए आदमी जैसी हो जाती है। वो टीवी देखती है तो देखती रह जाती है। जब वो पियानो क्लास लेती है तो बच्चों के सामने ही रो पड़ती है। उसे पेट का दर्द होने लग जाता है। फिर वो मेडिकल पर जाती है। मेडिकल पर जो लेडी होती है उसे फिर से कहती है, तुम जिस सब से गुजर रही हो इसके लिए गॉड ही तुम्हें हेल्प कर सकता है। वो बिलीव नहीं कर रही होती और वहां से चली जाती है। इस मेडिकल वाले ने उसे कहा होता है, हम सब लोग एक जगह मिलते हैं, वहां तुम्हें आना चाहिए। शिने वहां से चली गई होती है। नेक्स्ट दिन शिने को अपने बेटे की डेथ रजिस्टर करनी होती है। किम उसके पास जाता है, उसे हेल्प करने वाला होता है। किम उसे मना करती है। वो गाड़ी में बैठने की कोशिश करता है तो उसे हकल देती है। शिने जब ये डेथ रजिस्टर करने के लिए जाती है तो वह अपना कंट्रोल लूज कर देती है। बहुत ही वह रोने लग जाती है। उसके चेस्ट में भी दर्द होने लग गया होता है। शिने ने किम को आने में मना किया था, फिर भी किम वहां आ चुका है। वो उसे सहारा देता है। ये जब फ्रेश हवा लेने के लिए आगे स्ट्रीट में जाते हैं तब शिने को एक प्लेस दिखता है जहाँ सब लोग प्रेयर कर रहे होते हैं। मेडिकल वाले ने उसे कहा था तो अब यहाँ जाना चाहती है। जब वे अंदर जाती है तब सब लोग प्रेयर करते हैं, गाना गाते हैं।
ये सब वो जब सुनती है तो फुट फुट कर रोने लग जाती है। सीने अब गॉड पर बिलीव करने लग चुकी है। यहाँ किम भी आता है, उसके पास बाइबल होती है। सीने के साथ उसे रहना होता है इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। सीने जो है अब अपने दूसरे फ्रेंड के साथ लंच करी है। बाइबल का इम्पोर्टेंस इन सबको वो बताती है। नेक्स्ट सीन में बस स्टैंड के बाहर हमें किम दिखता है, वो प्रेयर कर रहा होता है। उसके फ्रेंड्स वो आते हैं, उसे अपने पास बुलाते हैं, उसे चिढ़ाते हैं कि एक लड़की के लिए तुम ये सब कर रहे हो। किम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर एक्चुअल में ये सब वो सीने के लिए करता है। सीने का आज बर्थडे होता है, अपने फ्रेंड से मिलने हो जाती है। अपने फ्रेंड्स के लिए फिर वो एक अनाउंसमेंट करती है। वो कहती है, जिसने मेरे सन को मारा है उसे मुझे अब फॉरगिव करना है। गॉड ने हमें बताया है कि हमें फॉरगिवनेस करना चाहिए, इसलिए मैं उसे माफ कर देने वाली हूँ। उसे माफ करने के लिए उसे मिलने जाने वाली होती है। जब उसे माफ करने वाली होती है और मिलने जाने वाली होती है, किम भी वहाँ होता है। किम उसे कहता है, उसे माफ करने के लिए तुम्हें उसे देखना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। पर सीने उसकी मानती नहीं। किम सीने और उसकी दो फ्रेंड्स होती है, इन सबको लेकर टीचर से मिलने के लिए जाते हैं। वो टीचर से मिलती है और कहती है कि अब मैंने गॉड का वे चूज कर लिया है, मुझे फॉरगिवनेस करनी चाहिए, तो इसीलिए मैं अब तुम्हें फॉरगिव कर रही हूँ। टीचर कहता है कि जब मैं प्रिजन में आया तो मुझे भी गॉड मिल चुका है, मैं भी एक दिन बहुत रोया और उसके बाद गॉड ने मुझे माफ कर दिया है। वो सीने से कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हें भी ये रास्ता मिल चुका है, मैं हर रोज तुम्हारे लिए प्रे करता हूँ। टीचर बहुत ही पीसफुल लगता है। सीने जब ये सब सुनती है तो डिस्टर्ब हो जाती है। वो जब बाहर आती है तो उसे चक्कर आती है और गिर जाती है। सीने फिर हमें हॉस्पिटल में दिखाई गई है। चर्च के सब लोग जब सीने से मिलने आते हैं तो किम उनसे कहता है कि डॉक्टर का ऐसा मानना है कि उसे साइकोलॉजिकल कुछ झटका आया था, इसकी वजह से वो गिर चुकी थी। सीने जब ठीक हो जाती है चर्च में आने की कोशिश करती है। चर्च में आने के बाद वो जो बेंच होता है उस पर ठोकने लग जाती है। जब रात होती है तो चर्च के उसके सब फ्रेंड्स उसे कंसोल करने के लिए आते हैं, वो सब उसके लिए प्रेयर कर रहे होते हैं। सीने यहाँ सब पर चिढ़ जाती है। वो कहती है, गॉड ऐसा कैसे कर सकता है, जो मर्डर था उसने मेरे बेटे को मारा था और गॉड उसे कैसे फॉरगिव कर सकता है। पहले मुझे उसे फॉरगिव करना था, फिर गॉड उसे फॉरगिव कर सकता था, मेरे बेटे को मारकर वो इतना पीसफुल कैसे रह सकता है। उन पर चिढ़ती है और रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सीने एक पिक्चर की स्टोर में जाती है, वहां से एक मूवी चोरी कर लेती है। कुछ गलत करना कैसा होता है उसे फील कर कर देखना होता है। ये पकड़ी जाती है, यहाँ की स्टोर ओनर उसके पीछे भागती है तब वे अपने बैग नहीं देती, वो ये मूवी उसे वापस नहीं करती। एक ग्राउंड पर एक स्टेज होता है, वहां बहुत सारे लोग प्रेयर कर रहे होते हैं। वहां का जो स्पीकर होता है ये भी प्रे कर रहा होता है। सीने फिर जाती है, ऑडियो सिस्टम को निकाल लेती है और वहां से चली जाती है। रात में सीने को लगता है कि उसे फिर से किडनैपर का कॉल आया है। वो किम को कॉल करती है। किम कहता है कि तुम्हें इमेजिन कर रही होगी। सीने मान नहीं रही होती है तो किम बोलता है कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। किम उसे डिनर के लिए इन्वाइट करता है। वो कहता है, तुम स्ट्रेस में हो और हमें डिनर करना चाहिए, हम दोनों को मिलना चाहिए कल रात के लिए, अब इनकी डेट होती है। जब दूसरे दिन रात आती है तब किम का जो फ्रेंड होता है उसका रेस्टोरेंट होता है, वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बनवाने के लिए बोलता है और अपने फ्रेंड के पास किचन में जाकर उसे सब इंस्ट्रक्ट करता है। वो आज बहुत ही खुश होता है। रात में किम के पास आती है, ये जो उनका डिनर था ये उसने स्किप कर चुकी है। तो घर पर उसके पास आकर उसे कहती है, ये तुम्हें हमेशा लगता होगा कि हम दोनों इंटीमेट हो जाए, आज हम ये कर सकते हैं। किम को पता होता है कि ये बहुत ही दुखी है इसलिए ये सब कह रही है। उसे कहता है कि अपने आप को तुम संभालो। सीने उस पर चिढ़ जाती है, वो वहां से चली जाती है। घर जाते वक्त और एक प्रेयर मीटिंग उसे दिखती है, वह एक पत्थर लेती है और उनके कांच पर मारती है और फिर वहां से चली जाती है। रात में वो बहुत ही अकेली होती है, ऊपर देखती है और गॉड को बोलती है, क्या तुम सब कुछ देख सकते हो। वो फिर एक चाकू लेती है और अपनी नस काट देती है। उसे फिर पछतावा आता है और स्ट्रीट में जाकर लोगों से हेल्प मांगती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सीने का ब्रदर सिटी में आ चुका है, उसे लेने के लिए किम ही आया हुआ होता है। सीने का ब्रदर किम से पूछता है कि मिरियांग कैसा गांव है। किम हंसने लगता है। किम कहता है, तुम्हारी सिस्टर ने भी मुझे पहली बार जब आई थी यही सवाल पूछा था। वो कहता है कि सेम लोग है, सब कुछ यहाँ सेम ही है। ये दोनों फिर हॉस्पिटल में आ जाते हैं। सीने का ब्रदर सीने से मिलता है, सीने को उसने देख लिया है तो फिर से उसे स्टेशन छोड़ देते हैं और वो जाने लग जाता है। जब वे दोनों अकेले होते हैं तो सीने किम को बोलती है कि मुझे हेयर कट करना है। किम उसे अच्छे से पार्लर पर लेकर आता है। इस पार्लर में सीने देखती है कि टीचर की जो बेटी है वही यहाँ काम कर रही है। सीने टीचर की बेटी से हेयर कट नहीं ले पाती, वहां से बाहर निकल जाती है। वो किम पर चिढ़ जाती है। किम को बोलती है कि तुम यही मुझे क्यों लेकर आए। किम को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। सीने आगे चलती है तो स्टोर ओनर के पास आती है। ये स्टोर ओनर उसे कहती है कि जैसे तुमने मुझे बताया था
कि मुझे इंटीरियर डिजाइन बदलनी चाहिए, ऐसा ही मैंने किया है और इससे मेरे बहुत अच्छे से सेल्स अब आ रहे हैं। शिनी कहती कि मुझे ये सुनकर बहुत ही खुशी हुई। शिनी का अधूरा हेयर कट देखकर ये स्टोर ओनर उसे उसके बारे में पूछ दिया। शिनी कहती कि मुझे मेरा हेयर कट अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं उठकर चली आई हूँ। ये स्टोर ओनर और शिनी इस पर बहुत ही हंसने लग जाते हैं। किम बेचारा शिनी के पीछे पीछे उसके घर पर भी आ जाता है। शिनी बाहर आती है, उसने एक मिरर लाया होता है, वो देखकर अपने खुद के हेयर वो काटने लग जाती है। किम जब ये देखता है तो हंसता है, उसे हेल्प करने के लिए मिरर उठाता है। ये हमें हेयर काटते हुए दिखती है और ये मूवी एंड हो जाती है। के लिए थैंक यू।